हर 10 साल में करेंसी बंद होता है। आपको मालूम है कि लहर बड़ी करा रही है, हाथी मर गई जाड़े में, साइकिल बिकेगा भाड़े में। बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा डम 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 डमरू के तरह। कल बल छल से बाबा जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। वोटर लिस्ट से जब नामे गायब हो रहा है, लोगों के पास बोलते हैं नौकरी नहीं है। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? ऐसा तो है नहीं कि केवल यूपी में महंगाई है, हर जगह महंगाई है, हर कंट्री में है। बोले भारत में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। देखिए हम पोलिंग स्टेशन बूथ के बाहर हैं और यहां पर लोगों के मन में क्या है, मिजाज में क्या है, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस मुद्दे पे वोट किया? क्या नाम है भाई? मेरा नाम है दीपांशु राय। दीपांशु, किस मुद्दे पे वोट हुआ? वोट हमारा विकास के मुद्दे पे हुआ। विकास के मुद्दे पे, कौन सा विकास हुआ या नहीं? भैया आप पूर्वांचल में कहीं भी देख लीजिए, कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हुआ हो। अच्छा, लोग बोलते हैं काम नहीं हुआ। हाँ। लोगों के पास बोलते हैं नौकरी नहीं है। हाँ। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? अब पढ़ तो रहा है ना, कहाँ पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो पढ़ा है उसको नौकरी मिली है। अच्छा, और कोई भी ऐसा मार्ग बताइए जिस पे रास्ता नहीं हो। आप चले जाइए गोरखपुर, चले जाइए गाजीपुर, चले जाइए बलिया, चले जाइए, हर जगह का 4 लेन बना हुआ है। इससे पहले क्यों नहीं था? वो तो कहते हैं कि भाई आगरा एक्सप्रेसवे हमने बनाया। भैया एक एक्सप्रेसवे बनाने से तो पूरा भारत चलेगा नहीं ना। नोएडा एक्सप्रेसवे हमने बनाया भैया, पूर्वांचल का भी हमने किया। वो उनका उनका कहना है कि मंदिर, विश्वनाथ मंदिर का वही काम स्टार्ट वही किए थे। स्टार्ट वही करते हैं, ख़त्म का एक कोई और करता है। अच्छा बताइए, और ये महंगाई जो है ये लोग? भैया देखिए, काम होगा तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। अच्छा, उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। काम दुनिया में कोई भी देश विकसित हुआ है बिना महंगाई बढ़े नहीं हुआ है। कोई भी देश दुनिया में विकसित हुआ है तो बिना महंगाई बढ़े नहीं हुआ है। महंगाई बढ़ा है कोरोना काल के बाद, लॉकडाउन के बाद तो हर जगह महंगाई बढ़ा है। महंगाई नहीं है केवल अपने यूपी में महंगाई, ऐसा तो है नहीं कि केवल यूपी में महंगाई है, हर जगह महंगाई है, हर कंट्री में है। लॉकडाउन के बाद तो हर जगह, विदेशों में भी जो कि महंगाई बढ़ा हुआ है, अपने इंडिया में ही नहीं है महंगाई। अच्छा आप देखिए, तो किस मुद्दे पे वोट किया है आपकी बात? हर क्षेत्र में विकास हुआ है। अच्छा, हर क्षेत्र में, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें विकास नहीं हुआ है। अच्छा, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। वो बोल रहे महंगाई है, महंगाई तो बढ़ेगा ही। अच्छा, जब फैक्ट्रियां बंद हो गई थी, माल पूरा स्टॉक जो कि खाली हो गया, तो स्टॉक भरने में समय लगेगा ना, तो स्टॉक जब तक भराएगा नहीं तब तक कहाँ से जो कि सस्ता हो जाएगा सामान। अच्छा, और ये यहाँ पर कैसा है जी प्रशासन, ये सब 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 दुरुस्त है? अच्छा, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है, फिर भी चलेगा। बुलडोजर काम आ रहा है? हाँ बिल्कुल काम आ रहा है और चलेगा। बाबा का बुलडोजर रुकेगा नहीं, चलता रहेगा डम 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 डमरू के तरह। एकदम बजेगा। ये बताइए, मगर वो तो कह रहे कि अब की बार गए बाबा। अरे क्या कहने, तो बहुत कुछ कर रहे हैं बाबा। पूर्व मोहम्मद से सरकार हारने वाला आदमी कभी नहीं बोलता, सब साफ हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के लोगों का एक एक घर में चार चार रोड वोटर लिस्ट से गायब हो गया। बाबा कैसे जाएंगे? जीतेंगे बाबा, बाबा जीतेंगे। जब वोट जो है हिंदुस्तान से वोटर की नागरिकता खत्म कर दी गई, एक गांव में 240 वोट गायब हो गया आपके, नहीं गोरखपुर में चल रहा है सामने। ये क्या लगता है किसका है? तो बाबा जीत रहे हैं। बाबा जीत रहे हैं, बाबा जीत रहे हैं। कल बल छल से बाबा जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। मगर कल बल छल से जीत रहे हैं। कल बल छल, हाँ, वोटर लिस्ट से जब नामे गायब हो रहा है, समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम गायब कर दिया गया है। अरे अभी गोरखपुर का वीडियो आपको दिखाएं, यहाँ भी हमने सुना है, आपको दिखाएं। और कहीं कहीं और भी बताइए कि किसी का हल्ला है कि नहीं वोटर लिस्ट से नाम गायब है? हर घर में चार चार वोट गायब है। हर घर में वोटर लिस्ट से नाम गायब है, हर बार होता है, पहली बार नहीं। केवल मुस्लिम लोग या क्या, या फिर यादव लोग का गायब है? हर जगह से वोट गायब है। वो तो कह रहे कि हम यादव भाई हमारा गायब कर दिया। कौन? ऐसा कुछ नहीं है भैया, आप खुद ही रिपोर्ट, आप तो खुद ही प्रेसमैन है, आप हर जगह से खुद ही चेक कर। भैया ऐसा कुछ नहीं है, नहीं, हर कुछ देखेंगे। अभी देखिए, अभी ये स्टार्ट किए हैं पहला रोना, इनको पता है कि ये बुरी तरीके से हार रहे हैं।
रोना है, इसलिए शुरुआत से रोएंगे तो अच्छा लगेगा उन लोगों को। अच्छा, हाँ क्या बोल रहे थे? इनके मुलायम सिंह जी ने 2004 में आकर उद्घाटन किया सामने का पुल का, उसको फिर अखिलेश भैया भी आए पुल मोहम्मद से, वो नहीं बना, बना कब 17 में योगी जी बनवाए। अच्छा, भाई उद्घाटन कर बनवा के वो बना का डोर तैयार नहीं हुआ, उद्घाटन हो गया, जाके देखिए गंदगी की भंडार लगी हुई है भैया। हाँ, अखिलेश भैया का ड्रीम प्रोजेक्ट था, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, जाके देखिए आप वहाँ पे। एक नदी को दो नदी कर दिए, बोल रहे हैं आएगी तो साइकिल ही, साइकिल पंचर है, साइकिल दिख गई कमाने में, हाथी मर गई जाड़े में, यूपी में हाथी मर गई जाड़े में, साइकिल बिक गई कमाने में। अब यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, बाबा जी पूर्व मोहम्मद से आ रहे हैं और 250 सीट प्लस हम लोग जीतेंगे। 250 प्लस या और वाराणसी जनपद में 8 के 8 विधानसभा हम लोग जीतेंगे। हाँ, ये मोदी का संसदीय क्षेत्र है जिसके वजह से हम लोग पूर्व मोहम्मद से 8 विधानसभा पूरा जीत के लेकर आएंगे, सपा साफ हो जाएगी। उनको अखिलेश जी से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ये तो बनारस की जनता तय करेगी कितनी सीट निकलना चाहिए वाराणसी, कितना सही कितना गलत जी। जबकि अब की लहर बड़ी करारी है, लहर तो लहर में बाज आएगा, कमल खिल जाएगा। योगी जी की बारी है, योगी जी पहले भी थे अब भी आएंगे, 22 में भी 27 में भी आएंगे। योगी जी एक बयान दिए थे बुलडोजर में जीपीएस सिस्टम लगा रहे हैं। अरे जीपीएस माफियाओं के लिए ना है, अब यूपी में तो हिंदू गरीबों के लिए तो नहीं है, विकास इतना विकास तो इतना हुआ है कि जहाँ ऑटो लेके नहीं आप जाते थे अब ट्रक जा रहा है। बिल्कुल है, पूरा घूम के देखिए, पूरा बनाया, पूरा पूरा प्रदेश घूम के देखिए, जहाँ लोग ऑटो लेके नहीं जा पाते थे अब ट्रक जा रहा है। एक मिनट रुक जा, बोले तो बोले। जहाँ पहले ऑटो नहीं जाता था अब वहाँ ट्रक चला जा रहा है, तो ये विकासन है, हमको विकास चाहिए, दाम नहीं जा। एक चीज है, आप तो चलिए लोग सोचे हैं कि आप पूरे कट्टर भक्त हैं बीजेपी के, पर महंगाई असर डालेगी कि नहीं डालेगी, ईमानदारी से बताइए क्या महंगाई है, क्या महंगाई का तेल तो भाई हर शासन में है भाई, वो तो हर शासन में बढ़ता जाएगा सर। ये तो बोल रहे आएंगे तो कम करेंगे, कम करके वो अपने घर से पैदा कर देंगे। अच्छा, सी बात कर रहे हैं आप, बोलता का है ना सर। हाँ, आप बोलो। गोधरा कांड में कितने हिंदू तुम्हारे गए थे? गोधरा कांड में कितने हिंदू तुम्हारे गए थे? अच्छा, मोदी कितने लोग का आरक्षण दिए थे? अच्छा, और अच्छी सीट में क्या लोग बैठे थे ट्रेन में? अच्छा, इसके बताइए, नेट ओपन कर दीजिए। और जो 14 रमाबाई अम्बेडकर पार्क में, गांधी पार्क में आए थे शंखनाद रैली करने के बाद, परिवर्तन यात्रा रैली करने, जो 14 लोग रोडवेज में मारे गए, उनके घर के पालन पोषण करने गए थे क्या मोदी जी? हाँ, तो क्या लगता है क्या मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में जब न्यायाधीश फटकार लगाते हैं, जब लिखित प्रक्रिया मांगते हैं, लिस्ट सूची सूचक, तो लिखित जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अच्छा, पढ़े नहीं ना। एक एक हाई स्कूल फेलियर अभ्यर्थी विद्यार्थी, एक यूनिवर्सिटी बोर्ड मंडल के अभ्यर्थी, वो उच्च श्रेणी में बैठेगा नीचे निम्न श्रेणी में बैठेगा? कहना क्या चाहते हैं इस बार क्या है? इस बार मोदी 107-8 विदेश भ्रमण करें, वहाँ तक रियाल टकसाल दिनार रियाद, जहाँ तक वो एक ना अगर कोई अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री थे, वो नोटबंदी कराए थे? नहीं कराए। पंडित जवाहरलाल नेहरू नोटबंदी किया कराए? नहीं किए। ये काला धन कई लोगों से निकलवाया अब तक, और वो जब चाय बेचते थे उनके पिताजी कितने लोग का आरक्षण बांटे थे? तो ये तो काम न किए, काम किए, अपने जेब अपने हमसे बात करिए ना, अपने जेब से खर्चा किए। मालूम है कि नोटबंदी करना जरूरी होता है, हर 10 साल में करेंसी बंद होता है, आपको मालूम है? हर 10 साल में करेंसी बंद होता है, आपको मालूम है? आपको क्या मालूम है? मोदी जी के बात कर रहे हैं आप, आपको क्या मालूम है? जज्बात में क्या है, कितने गरीब मारे गए? अच्छा, नोटबंदी होने कितने गरीब मारे गए? आपको मालूम है हर 10 साल में करेंसी बंद होना चाहिए? आपको मालूम है बेचारे पैसा कहां से लाएंगे? आपको ये मालूम है बेचारे हॉस्पिटल में मर रहे थे? 10 साल में करेंसी बंद होना चाहिए, पैसे वाले को पैसे बैंक में जाकर अपना चेक करा लिए, बैंक में अपना पैसे करा लिए जाके। ठीक है ठीक है, आप बहस नहीं होना चाहिए। चलिए, मोदी जी ने काम किया है, पीएनबी बैंक, मोदी जी ने काम, मोदी जी ने काम किया है। ₹12,000 करोड़ पीएनबी बैंक, आशीष कुमार सोनकर, पीएनबी बैंक से घोटाला हुआ ₹12,000 करोड़। लंदन लंदन विदेश से बात करो, हर 10 साल में करेंसी बंद होना चाहिए, हमारे संविधान में लिखा हुआ है। आप क्या बात कर रहे
काला धन तो विपक्ष तो काला धन जमा करके रखा है, नोट क्यों बंद करेगा? नोट बंद कर देगा तो पूरा हो जाएगा ना। मोदी जी ने तो बंद किया, मोदी जी रखे नहीं थे, बंद कर दिए। हर 10 साल में हमारे संविधान में लिखा है हर 10 साल में करेंसी चेंज होनी चाहिए, हर 10 साल में करेंसी चेंज होनी चाहिए। काला धन आने वाला कहाँ से आप बात कर रहे हैं? जो काला धन आने वाला तो विपक्ष नहीं ना बंद किए, इसलिए कि स्टोर करके रखे हुए हैं। काला धन तो स्टोर करके रखे हुए हैं, मोदी जी दिए थे, वादा किए थे हर हर गरीबों को देंगे। बोलिए क्या वादा आया, मिला किसी गरीब को? मिला कहाँ मिला है? क्या वादा किए थे 15 लाख देने का? ये गलत बात है, ये फर्जी है, 1 लाख रुपया भी नहीं, ये गलत बात है। अच्छा 2 करोड़ नौकरी मिले थे कि नहीं मिला? 2 करोड़ नौकरी मिले थे? बिल्कुल नौकरी मिल रही है, सबको मिलेगा, सब समय आने पे सब लाख मिलेगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अब जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।